हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2D, यानी कि स्टूडेंट एक्सरसाइज 15D। नया बुक में एक्सरसाइज 15D लिखा हुआ है स्टूडेंट, मेरा बुक पुराना उसमें एक्सरसाइज 2D लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट, जो मान लीजिए एक्सरसाइज 2D लिखा हुआ आपका बुक में तो एक्सरसाइज 2D, और यदि 15D लिखा हुआ तो 15D। तो स्टूडेंट, इसको हम लोग पिछले क्लास ही देख लिए थे एक्सरसाइज 15D को। इसमें बहुत कुछ आप लोग को बताए थे स्टूडेंट, जैसे कि ये चार वैल्यू भी बताए थे, और स्टूडेंट ये चार वैल्यू को हम बोले तो प्रूफ करके बताएंगे, तो ये भी एक दिन प्रूफिंग कर देंगे। लेकिन स्टूडेंट, अभी जो आप लोग का डाउट है, सबसे पहले इस डाउट को क्लियर करेंगे उसके बाद। तो स्टूडेंट, अभी एक दो क्लास इसका और लेंगे ताकि बहुत अच्छा से कंप्लीट हो जाए, कहीं पे भी थोड़ा सा आपसे थोड़ा भी डाउट ना रहे। तो स्टूडेंट, इसलिए आज हम कुछ इंपॉर्टेंट जो उसमें क्वेश्चन है उस टाइप का क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद फिर कल इसका आप लोग का जो भी डाउट होगा वो सारा डाउट क्लियर कर देंगे। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग टॉपिक की ओर चलते हैं। आप लोग भी एक्सरसाइज अपना निकालिए और देखिए एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है। तो स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम 8 बनाना चाहेंगे। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है। आज बहुत सारा क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 8 पे दिया हुआ है, आप लोग भी थोड़ा पढ़िए कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है। 15D या फिर 2D, जो हो आप लोग का बुक में उसी को निकाल लीजिएगा। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि tan 2x बटे 1 प्लस sec 2x बराबर tan x, प्रूफ करके दिखाइए। तो चलिए स्टूडेंट, प्रूफिंग की ओर। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे नोट कर लेते हैं। और स्टूडेंट, हम आप लोग को एक बात बोले थे कि जब भी कभी प्रूफिंग वाला क्वेश्चन हो तो हम लोग को अपना माइंड में इस बात को सेट करके रखना है कि हम लोग को LHS पहले लिख लेना है। क्या लिखना है? LHS को साइड करके लिख लेना, उसके बाद फिर अपने आप फॉर्मूला इसमें सेट होगा। अभी देखिएगा कैसे हम लोग फॉर्मूला को सेट कर लेंगे। जैसे कि स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ था tan 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस sec 2x इक्वल टू tan x, हमको प्रूफ करके बताइए tan x। तो चलिए स्टूडेंट, इसका प्रूफिंग की ओर ध्यान देते हैं। जैसे कि स्टूडेंट, यहाँ पे tan 2x लिखा हुआ, सबसे पहले LHS लिखिए। LHS में हम लोग को क्या दे दिया हुआ स्टूडेंट, तो tan 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस sec 2x लिख दिया स्टूडेंट। क्या यहाँ तक में कोई परेशानी तो नहीं होना चाहिए स्टूडेंट? बस वही कि LHS में जो दिया हुआ था उसको लिख लिए। अब देखिए स्टूडेंट, tan 2 थीटा का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि sin थीटा बटे cos थीटा बराबर tan थीटा होता है कि नहीं? तो वही चीज का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे स्टूडेंट। लिखेंगे sin थीटा, और थीटा की जगह क्या दिया स्टूडेंट, 2x लिखा हुआ, तो 2x डिवाइडेड बाय cos थीटा होता है कि नहीं स्टूडेंट? तो cos थीटा की जगह जो लिखा हुआ उसको लिखेंगे, फिर बटे, उसके बाद नीचे क्या हुआ दिया हुआ स्टूडेंट, तो वो देखिए नीचे दिया हुआ 1 प्लस sec 2x। ये sec 2x को स्टूडेंट नीचे ले जाएंगे तो 1 बाय cos 2x कर देंगे, 1 प्लस 1 बाय cos 2x। अब स्टूडेंट, इसका एलसीएम लीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए तो sin 2x डिवाइडेड बाय cos 2x फिर डिवाइडेड बाय, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हम लोग का यहाँ पे बन जाएगा cos 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos 2x, और ये cos 2x है, cos 2x कैंसिल, तब हम लोग के पास यहाँ स्टूडेंट sin 2x बना, और यहाँ पे बचा 1 प्लस cos 2x। अब स्टूडेंट, sin 2x का फॉर्मूला आप लोग को बताए थे कि 2 sin x into cos x, पिछले क्लास में बताए थे ना स्टूडेंट, sin 2x बराबर क्या बोले थे स्टूडेंट, कि 2 sin x into cos x होता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे वही फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे, 2 sin x into cos x, और बहुत बार चिल्ला चिल्ला के बोले स्टूडेंट कि 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा मैथ में सबसे ज्यादा बार यूज होने वाला फॉर्मूला है। बोले थे ना कि 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस sin थीटा मैथ में स्टूडेंट बहुत ज्यादा बार यूज होगा, और ये दोनों फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला तो सब इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, लेकिन सबसे ज्यादा इसी का यूज होता है। तो देखिए स्टूडेंट, 1 प्लस cos थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 स्टूडेंट, तो 2x बाय 2 कर देंगे तो क्या होगा, x ही होगा, डायरेक्ट लिख दिए। ये 2 से 2 कटा स्टूडेंट, 1 cos x, 1 cos x कट गया, अब यहां पे sin x बाय cos x हम लोग का बच गया, sin x बाय cos x इक्वल टू क्या था स्टूडेंट, तो tan x, और यही तो बोला कि हम लोग को RHS की प्रूफ करके दिखाइए। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? कहीं पे कुछ नहीं किया स्टूडेंट, बस सिंपल सा फॉर्मूला सबका लिखते गए, एकदम बेसिक सा फॉर्मूला, अपने आप आंसर आ गया। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन समझ में आया, फिर हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं।
इस क्वेश्चन पे हमको कहीं नहीं लगा स्टैंड की रिपीट करें, इसलिए हम इसमें उतना ध्यान नहीं, ध्यान तो दिए, बहुत अच्छा से समझा दिए, लेकिन इसमें हम दोबारा इसको रिपीट नहीं कर रहे हैं, आप लोग समझ ही गए होंगे। चलिए स्टैंड अब इसी में से एक हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 स्टैंड। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन नंबर 21 भी शायद हम पिछला क्लास को बता ही दिए थे क्वेश्चन नंबर 21 को। तो स्टैंड क्वेश्चन नंबर 20 हम देख लेते हैं, थोड़ा ये लॉन्ग बनेगा इसलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखेंगे अभी। तो स्टैंड इसको नोट कीजिए, नोट तो हो गया होगा, देख लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए स्टैंड ये क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग भी इसको इंपॉर्टेंट कीजिए स्टैंड, बताएंगे भी क्यों इंपॉर्टेंट है। थोड़ा लंबा बनेगा लेकिन कहीं भी ऐसा एक एक स्टेप को समझा देंगे स्टैंड, कहीं आप लोग को नहीं लगने देंगे कि ये क्वेश्चन हार्ड था जो, और मेरा यही तरीका मैथ में कहीं पे भी हार्ड लगने नहीं देते हैं, और यदि कहीं लगे उस टाइप से तो जरूर कमेंट करके पूछिएगा स्टैंड, हम उसको बताएंगे आप लोगों को। तो देखिए स्टैंड ये क्वेश्चन नंबर 20 आखिर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20 में दे दिया है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं स्टैंड, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए तो क्या दिया हुआ है, दिया 10 6 डिग्री, 10 6 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 66 डिग्री, 10 66 डिग्री इंटू 10 78 डिग्री, 10 78 डिग्री इक्वल टू 1। और इसी चीज को बोल दिया स्टैंड के प्रूफ करके लाइए, स्टैंड हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन मिला कि 10 6 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 66 डिग्री इंटू 10 78 डिग्री इक्वल टू 1, ये प्रूफ करके लाइए। तो स्टैंड सबसे पहले LHS में जो दिया हुआ उसको हम लोग लिख लेते हैं, क्या करेंगे स्टैंड सबसे पहले LHS में जो दिया उसको लिखते हैं। तो चलिए स्टैंड यहाँ पे दिमाग लगाइए LHS में क्या दिया हुआ है, LHS हम लोग का दे दिया स्टैंड 10 6 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 66 डिग्री इंटू 10 78 डिग्री। अच्छा स्टैंड अभी तुरंत जो हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में देखे कि 10 थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा में लिखते थे, सेम उसी चीज यहाँ पे भी हम लोग यूज करेंगे स्टैंड, ये 10 थीटा को हम लोग साइन थीटा बटे कॉस थीटा में चेंज कर देंगे। तो देखिए स्टैंड 10 थीटा, थीटा के जो जगह लिखा हुआ उसको लिख दीजिए स्टैंड, चलिए यहाँ पे थोड़ा यहीं पे इसको लिखते हैं। देखिए स्टैंड 10 थीटा के जगह जो लिखा हुआ थीटा के जगह थीटा को ही लिख देंगे, 6 डिग्री लिखा हुआ है तो 6 डिग्री लिख दी, यानी कि साइन 6 डिग्री और बटे कॉस 6 डिग्री हो जाएगा स्टैंड, दोनों मिलकर के 10 हो जाएगा। फिर क्या होता है इनटू साइन 6 डिग्री फिर हो जाएगा इनटू, अब इस यहाँ पे 10 42 डिग्री है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो साइन 42 डिग्री बटे कॉस 42 डिग्री। अब स्टैंड शायद 2 क्लास का जो स्टैंड है ना, इतना समझाने के बाद उसको भी समझ में आ जाएगा, तो आप लोग को क्यों नहीं आएगा, 100% आया हुआ स्टैंड। वैसे 10 66 को लिखेंगे हम लोग साइन 66 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 66 डिग्री, फिर इंटू यहाँ पे 10 78 दिया हुआ है यानी कि साइन 78 डिग्री फिर इंटू कॉस 78 डिग्री लिख देंगे स्टैंड। यहां तक में कोई परेशानी आप लोग को नहीं होना चाहिए, कहीं कुछ नहीं किए, बस सिंपल सा फॉर्मूला 10 थीटा का साइन थीटा बटे कॉस थीटा किए, ये हो गया स्टैंड। अब देखिए स्टैंड हम आप लोग को बोले थे कि जब 3 फंक्शन हो तो क्या करते थे, सबसे छोटा वाला और सबसे बड़ा वाला वैल्यू को एक साथ लिखते थे, लेकिन स्टैंड जब 4 फंक्शन हो, साइन साइन का फंक्शन 4 हो मल्टीप्लाई में, तब क्या करेंगे। अब देखिए स्टैंड यहाँ पे समझने वाली बात हो गया कि तब स्टैंड क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू थर्ड और सेकेंड इंटू फोर्थ करेंगे, यानी कि फर्स्ट वाला और थर्ड वाला को एक साथ लिखेंगे और फिर सेकेंड वाला और थर्ड वाला को एक साथ लिखेंगे। तो चलिए स्टैंड यहाँ पे हम लोग लिखते हैं साइन 6 डिग्री इंटू साइन 66 डिग्री हो जाएगा, साइन 66 डिग्री एक साथ लिखिए स्टैंड, फिर यहाँ पे एक साथ इसको लिख देंगे साइन 42 डिग्री इंटू साइन 78 डिग्री, फिर डिवाइडेड बाय करेंगे स्टैंड, यहाँ पे भी वही चीज, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला को एक साथ लिखिए तो हो जाएगा कॉस 6 डिग्री इंटू कॉस 66 डिग्री, फिर क्या हो जाएगा स्टैंड, तो यहाँ पे भी लिख देंगे ये दोनों रहा यानी कि कॉस 42 डिग्री इंटू कॉस 78 डिग्री, ये हो गया स्टैंड। अब देखिए स्टैंड एक बात आप लोग को हम बोले थे कि कभी भी साइन साइन का फंक्शन, कॉस कॉस का फंक्शन और साइन कॉस का फंक्शन देखिए तो 2 से मल्टीप्लाई
और 2 से डिवाइड करते हैं, करते हैं ना स्टूडेंट। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कीजिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई किए स्टूडेंट, चलिए यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दीजिए। सेम वही चीज यहाँ भी करेंगे स्टूडेंट कि 2 से यहाँ पे भी कीजिए मल्टीप्लाई और 2 से कर दीजिए यहाँ पे भी डिवाइड। तो स्टूडेंट यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम, देखिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दोनों कट जाएगा, यहाँ पे भी वही किए। अब स्टूडेंट आप लोग को हम बोले थे कि स्टूडेंट यदि मेरा भली ये कहना स्टूडेंट की कहना नहीं, आप लोग खुद बोल दीजिएगा कि सर सच में आप बोलते हैं कि हम कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं क्वेश्चन नहीं। तो स्टूडेंट उसके पहले एक बात और हम बोले थे आप लोगों को कि कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा ही, लेकिन उससे पहले आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना। और स्टूडेंट फॉर्मूला याद रखने का बहुत तरीका बताए थे, इसलिए स्टूडेंट सबसे पहले आप लोग को फॉर्मूला तो हम बहुत अच्छा से याद कर लेना है, उससे आप कहीं भी नहीं फंसिएगा। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे क्या कि 2 sin theta into 2 sin a into cos b का फॉर्मूला। तो बताइए स्टूडेंट किसको किसको याद है, 100% जिसको याद होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा फॉर्मूला को। तो चलिए स्टूडेंट 2 sin a into sin b का फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। कॉस क्या बताया था स्टूडेंट, तो कॉस ए माइनस बी यानी कि 6 डिग्री माइनस 66 डिग्री कर देंगे स्टूडेंट, तो -60 डिग्री होगा। और कॉस के अंदर माइनस थीटा क्या होता है स्टूडेंट, प्लस थीटा होता है, यानी कि कॉस 60 डिग्री यहाँ पे हो गया। फिर क्या होता है स्टूडेंट बताइए, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, यही ना बताया था स्टूडेंट, माइनस कॉस ए प्लस बी करेंगे तो 66 डिग्री प्लस 6 डिग्री कीजिएगा तो 72 डिग्री हो जाएगा। फिर स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे 2 sin a into sin b का फॉर्मूला, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो स्टूडेंट कीजिए तो कॉस ए माइनस बी जैसे ही कीजिएगा तो कॉस 36 डिग्री, फिर क्या होता है माइनस कॉस ए प्लस बी। तो स्टूडेंट कॉस ए प्लस बी यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 120 डिग्री। कॉस साइन 120 डिग्री कैसे होगा, कॉस ए माइनस बी फिर माइनस कॉस ए प्लस बी, यानी कि कॉस 120 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, कॉस 120 डिग्री। फिर बटे यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 2 cos a into cos b का फॉर्मूला, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं कॉस ए माइनस बी जैसे ही करेंगे तो 60, फिर प्लस कॉस ए प्लस बी। सेम वही चीज यहाँ पे भी लिखेंगे स्टूडेंट, कॉस 2 cos a into cos b का फॉर्मूला क्या, तो कॉस ए माइनस बी यानी कि कॉस ए माइनस बी करेंगे स्टूडेंट तो 36 डिग्री, फिर प्लस कॉस ए प्लस बी करेंगे कॉस ए प्लस बी तो 120 डिग्री होगा ना स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 माइनस कॉस 72 डिग्री का वैल्यू। स्टूडेंट देखिए तो यहाँ से कॉस 72 डिग्री का वैल्यू क्या आया, तो √5 - 1/4 ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ पे दीजिए स्टूडेंट कॉस 36 डिग्री का देखिए स्टूडेंट वैल्यू क्या आता है, तो कॉस 36 का वैल्यू √5 + 1, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग √5 + 1/4। फिर स्टूडेंट माइनस, और आप लोग को पता है स्टूडेंट कि कॉस 120 डिग्री का वैल्यू -1/2 होता है, यानी कि यहाँ पे माइनस माइनस मिलकर के +1/2 हो जाएगा। क्या स्टूडेंट देखिए फिर से बार वैल्यू बताते हैं कि कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 लिख दिए, कॉस 72 का वैल्यू स्टूडेंट 15 √5 - 1/4 इसको कर दिए, फिर इनटू है कॉस 36 का वैल्यू स्टूडेंट देख लीजिए √5 + 1/4, फिर यहां पे माइनस स्टूडेंट और कॉस 120 डिग्री का वैल्यू -1/2 था, यहां पे 1/2 कर दिए स्टूडेंट और वो माइनस माइनस मिल करके प्लस हो गया। फिर स्टूडेंट यहां पे बटे तो बटे कर दिए। अब देखिए कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या था स्टूडेंट, तो 1/2 यहां पे लिख देंगे हम लोग 1/2, और कॉस 72 डिग्री का भी तुरंत आप लोग को हम वैल्यू बता दिए स्टूडेंट क्या होता है, तो √5 - 1, तो यहां पे लिखेंगे स्टूडेंट प्लस √5 और -1 डिवाइडेड बाय 4। उसके बाद फिर स्टूडेंट इनटू है और यहां पे भी वही कॉस 36 डिग्री का वैल्यू की देखिए स्टूडेंट कहां पे, यहां पर है तो √5 + 1/4 लिखा हुआ, कॉस 36 का वैल्यू लिख देते हैं √5 + 1/4। फिर यहाँ क्या स्टूडेंट प्लस है, प्लस कर दिए और कॉस 120 डिग्री का वैल्यू क्या स्टूडेंट -1/2, और माइनस के वजह से प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा और -1/2। अब स्टूडेंट यहाँ से हम लोग ले लेंगे एलसीएम, जो कि एलसीएम का आप लोग महारत हासिल कर लिए होंगे, एलसीएम एचसीएफ ये सब तो आप लोग बचपने से सीखते आ गए। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ से हम लोग लीजिए एलसीएम, जैसे ही एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, तो 4 होगा, 4 ही हो जाएगा इसका एलसीएम। और स्टूडेंट यहाँ से कीजिए तो हो जाएगा ये 2, फिर माइनस √5, और ये माइनस के वजह से स्टूडेंट यहाँ पे जाएगा +1। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं और इधर का भी ले लेते हैं हम लोग एलसीएम, तो 4 ही होगा। उसके बाद यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा स्टूडेंट आगे देखिए, तो
जैसे इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो हो जाएगा रूट फाइव प्लस वन, रूट फाइव प्लस वन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो प्लस फोर से इसको डिवाइड कीजिएगा तो टू बार में, और यहाँ पे हो जाएगा टू। स्टूडेंट बस कुछ नहीं किए, यहाँ पे हम लोग इसका ले लिए एलसीएम। अब तो एलसीएम यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, फिर नीचे भी हम लोग वैसे ही एलसीएम लीजिए तो फोर ही आएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा स्टूडेंट, तो टू फिर प्लस रूट फाइव माइनस वन ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे स्टूडेंट तो फोर, फिर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो रूट फाइव प्लस वन, उसके बाद फिर क्या स्टूडेंट, तो यहाँ पे माइनस वन, माइनस वन, तो इसका एलसीएम लेंगे तो टू ही होगा। अब देखिए स्टूडेंट ये फोर से फोर कैंसिल हो गया, ये फोर से ये फोर कैंसिल हो गया, तो हम लोग के पास टू प्लस वन यानी कि थ्री माइनस रूट फाइव बचा, फिर यहाँ पे क्या बचा स्टूडेंट, तो थ्री प्लस रूट फाइव बचा, तो लिख देते हैं थ्री प्लस रूट फाइव, फिर डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट, तो वन प्लस रूट फाइव, और यहाँ पे भी क्या आ गया स्टूडेंट, तो यहाँ पे हो गया माइनस वन प्लस रूट फाइव। अब स्टूडेंट इसको अंदर कर दीजिए हम लोग, ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है स्टूडेंट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी स्टूडेंट इसको पहले और इसको बाद में लिख देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। चलिए वही चीज करते हैं, रूट फाइव माइनस वन। अब स्टूडेंट यहाँ पे भी हो गया ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो क्या होता है ए माइनस बी। अब स्टूडेंट यहाँ से नाइन में फाइव को माइनस करें, फोर बाय फोर इक्वल टू वन, और यही हम लोग का आर एच एस था ना स्टूडेंट, और ये हो गया हम लोग का यहाँ पे प्रूफ। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अगर हम रिपीट करना चाहेंगे, कहीं पे भी कुछ नहीं किया स्टूडेंट, हम बहुत आराम आराम से इस चीज को समझाएं, क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था, इसलिए सिर्फ सबका वैल्यू रखे स्टूडेंट और लिखने का तरीका आप लोग समझिए। जैसे ये चीज हम लोग को दिखा स्टूडेंट, बोला इसको प्रूफ करके दिखाइए, तो हम लोग ये लिख लिए। उसके बाद स्टूडेंट टेन छ डिग्री को लिखे साइन थीटा बटे कॉस थीटा में यहाँ पे चेंज किए। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या बोले, इस बात को याद रखना स्टूडेंट, जब तीन टर्म होता था साइन साइन साइन, तो क्या करते थे स्टूडेंट कि जो सबसे बड़ा वैल्यू होता था साइन में उसको, और जो सबसे छोटा होता था वो दोनों को साथ में लिखते थे। लेकिन स्टूडेंट यहाँ तीन नहीं है, चार चार वैल्यू, तो उस वक्त क्या करेंगे, तो फर्स्ट इंटू थर्ड फिर सेकेंड इंटू फोर, वही के स्टूडेंट। और जहां पे साइन साइन का फंक्शन, कॉस कॉस का फंक्शन, साइन कॉस का फंक्शन दिखे, वहां पे टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, तो कर दिए। यहां से भी स्टूडेंट टू साइन इंटू साइन बी का फॉर्मूला लगा दिए, और यहाँ पे भी वही टू कॉस इंटू कॉस बी का फॉर्मूला, टू कॉस इंटू कॉस बी का फॉर्मूला। उसके बाद स्टूडेंट सबका यहाँ पे वैल्यू रखिए, कॉस साठ का वैल्यू वन बाय टू, फिर कॉस बहत्तर डिग्री का वैल्यू स्टूडेंट रूट फाइव माइनस वन बाय फोर, वैसे यहाँ पे भी सबका यहाँ पे वैल्यू लिख दिया स्टूडेंट। इसलिए लिखे कि आप लोग को ये बात बता दें कि जो चीज हम लिखाते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, यदि आप उस चीज को नहीं याद करते स्टूडेंट तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनने वाला। इसलिए जितना भी चीज हो स्टूडेंट हर एक चीज को आप अच्छे से याद कीजिए, और एकदम एक जगह एक कॉपी बनाइए और उसमें लिख के रखिए, सबका वैल्यू रखे स्टूडेंट, और यहाँ पे एलसीएम निकाल दिए और हम लोग का ये आर एच एस मिल गया। तो आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत क्लियर ही हो, मतलब क्लियर हो गया, अब कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए इस पे। अब हम लोग और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। तो स्टूडेंट इसी में से एक क्वेश्चन नंबर हम 15 भी सॉल्व करना चाहेंगे, और ये भी थोड़ा अच्छा ही क्वेश्चन है, तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसको नोट कीजिए, फिर इसको अब मिटाते हैं। स्टूडेंट यदि वीडियो अच्छा तो लगता ही होगा आप लोग को, हम 100% ये बात कर सकते हैं कि जो जो आप लोग वीडियो देखते हैं इतना अच्छा से समझा रहे, तो वीडियो अच्छा लगा लगता ही होगा। तो स्टूडेंट जैसे ही वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को तो जरूर लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये मेरा चैनल नहीं आप ही लोग का चैनल है स्टूडेंट, आप ही लोग के लिए बना है, इसलिए अपने लिए इस चीज को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगे तो अपना फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, और जितना भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है आपके पास स्टूडेंट हर एक ग्रुप में सेंड कर दीजिए, ताकि स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट है सबको फ्री में इसका फायदा मिल सके। तो चलिए स्टूडेंट अब आगे चलते हैं, हमको ज्यादा बात नहीं करना होता, आप लोग समझदार हैं तो आप लोग थोड़ा कीजिए स्टूडेंट सपोर्ट। तो स्टूडेंट इसी में से भी हम कौन सा क्वेश्चन बोले आप लोग को, तो इसमें हम बोले क्वेश्चन नंबर 15 बनाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 में दे दिया हुआ स्टूडेंट कि कॉस क्यूब एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स, कॉस क्यूब एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू वन बाय टू, फिर ब्रैकेट टू प्लस साइन टू एक्स, टू प्लस साइन टू एक्स। ये चीज बोला कि प्रूफ करके लाइए।
तो चलिए स्टूडेंट कोई बात नहीं है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे LHS को नोट कर लेंगे। LHS क्या दिया हुआ स्टूडेंट, तो cos cube x माइनस साइन cube x डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन x, तो इस चीज को लिख दिए। तो स्टूडेंट आप लोग में से कितने स्टूडेंट है जिसको कि a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला आता है, बताइए स्टूडेंट इसमें कितने स्टूडेंट है जो कि a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला जानते हैं, और जो जो जानते हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और नहीं जानते हैं तो हम इसको अभी साइड में यहाँ पे लिख दे रहे हैं। टेंथ नाइन्थ में सबका भरपूर यूज हुआ स्टूडेंट ये सब फॉर्मूला का, और आप लोग को पता है कि 99.9% स्टूडेंट को याद होगा। तो देखिए स्टूडेंट a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी फिर होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी फिर प्लस बी स्क्वायर, ये ना होता स्टूडेंट ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट यही फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं, इसको ए क्यूब कर लीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो स्टूडेंट क्या था ए माइनस बी, ए किसको लिए कॉस एक्स को, तो कॉस एक्स माइनस बी लिए थे स्टूडेंट साइन एक्स को, तो साइन एक्स हो गया। उसके बाद क्या था स्टूडेंट, तो ए स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर क्या था स्टूडेंट प्लस ए बी यानी कि कॉस एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। फिर क्या था स्टूडेंट, तो प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स। फिर डिवाइडेड बाय यहाँ पे जो है उसको लिखिए स्टूडेंट क्या, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब स्टूडेंट ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कट गया, और स्टूडेंट कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स मिलकर के वन होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे वन प्लस, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। और एक बात आप लोग ध्यान में रखिए स्टूडेंट कि जब भी कभी भी कॉस एक्स और साइन एक्स दिखे तो टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड जरूर कीजिएगा। क्या करना है स्टूडेंट, तो टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड, वही स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मिलकर के क्या हो गया, तो साइन टू थीटा होगा, होगा कि नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे वन प्लस वन बाय टू साइन टू एक्स। ये कहां से आया स्टूडेंट, तो टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मिलकर के साइन टू थीटा का फॉर्मूला। अब स्टूडेंट इसी को हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो टू प्लस वन टू प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा सिर्फ साइन टू एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाय टू, और इसी टू को थोड़ा सजा करके लिख दिया स्टूडेंट, इसको बाहर करके लिख दिया है, चलिए इस जगह लिख देते हैं। ये टू को यदि हम लोग बाहर कर दे स्टूडेंट क्या हो जाएगा वन बाय टू, अंदर क्या बन जाएगा, तो टू प्लस साइन टू एक्स, टू प्लस साइन टू एक्स, और यही चीज तुम लोग को RHS बोला था कि प्रूफ करके दिखाइए। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन कहीं पे भी आप लोग को हार्ड लगा क्या, किसी एंगल से हार्ड नहीं लगा हुआ। देखिए स्टूडेंट फिर से एक बार क्वेश्चन समझिए, कॉस क्यूब एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स लिखा हुआ था स्टूडेंट, फिर डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स दे दिया हुआ था, और बोला कि इसको प्रूफ करके दिखाइए, तो क्या प्रूफ करके लाने, बोला कि वन बाय टू टू प्लस साइन टू एक्स। तो स्टूडेंट बहुत आराम से हम लोग का माइंड में आ गया कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला स्टूडेंट ए माइनस बी, इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स से कटा स्टूडेंट, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स मिलकर के वन हो गया। और यहाँ पे स्टूडेंट जब भी कभी कॉस एक्स और साइन एक्स, साइन एक्स और कॉस एक्स, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ये सब जब भी दिखे कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स नहीं स्टूडेंट, जब साइन एक्स इंटू साइन एक्स, कॉस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, इस टाइप का फंक्शन जब भी दिखे स्टूडेंट, मतलब कभी भी यदि ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन आप लोग को मल्टीप्लाई में दिख जाए तो टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड कर दीजिए, कर दिए, यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला बना साइन टू एक्स, और स्टूडेंट क्या किए ये टू को इधर एलसीएम लेकर के वन बाय टू को बाहर करके लिख दिए, और यही चीज RHS दिया होता है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप लोग को 100% अब समझ में आया होगा। अब चलिए स्टूडेंट लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर इसी में से 17 नंबर क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, और इस टाइप का क्वेश्चन हम हमेशा टेस्ट में देते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन हम देंगे स्टूडेंट तो अच्छा से बनाना है। तो देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, थोड़ा आप लोग समझने का कोशिश कीजिए कि आप लोग से प्रूफ हो पाएगा कि नहीं। और चलिए स्टूडेंट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं, आप लोग भी थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए स्टूडेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आप लोग तो सोचते हैं कि 11th का एग्जाम नहीं होता, लेकिन आपसे होने लगा है, और CBSE बोर्ड में हमेशा इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो स्टूडेंट देखिए ये क्वेश्चन नंबर 17 क्या है स्टूडेंट, इसमें क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ कि cos x cos 2x cos 4x cos 8x equal to sin 16x बटे 16 sin x, ये प्रूफ करके दिखाइए।
तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको भी हम इम्पोर्टेंट करेंगे। आप लोग इसको इस टाइप का क्वेश्चन जितना भी हो सबको रिविजन कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट यहीं से बताते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन बोल दिया हुआ है कि cos x इंटू cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 8x इक्वल टू sin 16x डिवाइडेड बाय 16 sin x। ये चीज बोला के प्रूफ करके लाइए। तो चलिए स्टूडेंट स्पिन के लिए हम लोग RHS को पकड़ेंगे, क्योंकि स्टूडेंट LHS से भी हम लोग इस चीज को ला सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए हम लंबा नहीं करेंगे, इसको शॉर्ट में बना लेंगे स्टूडेंट और चलेंगे हम लोग RHS से। थोड़ा सुविधा भी होगा बनाने में, देखिएगा क्या। तो स्टूडेंट आप लोग को एक फॉर्मूला पता है साइन टू थीटा का, वही फॉर्मूला का इसमें चार बार यूज होगा और इसका प्रूफिंग होगा, देखिएगा स्टूडेंट क्या। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे यहाँ पे हम लोग RHS। तो RHS में क्या दिया हुआ स्टूडेंट, RHS में दिया साइन 16x डिवाइडेड बाय 16 sin x। स्टूडेंट यहाँ पे इसको हम लोग ये साइन 16x को यहाँ पे क्या लिखेंगे जानते हैं, साइन 2 8x ये लिख सकते हैं कि स्टूडेंट डिवाइडेड बाय 16 sin x। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कैसे लिख सकते हैं सर, इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि 2 into 8x करेंगे तो 16x ही ना होगा, और यहाँ पे हम लोग का फॉर्मूला भी बन गया साइन 2 थीटा का, इसलिए इस चीज को यूज कर लिए। अब स्टूडेंट यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 sin थीटा, थीटा की जगह 8x लिखा हुआ है स्टूडेंट, तो 8x इंटू कॉस थीटा, थीटा की जगह जो लिखा हुआ वो लिखेंगे, फिर डिवाइडेड बाय 16 sin x। देखिए स्टूडेंट ये 2 का टेबल से 8 बार में कटेगा। अब स्टूडेंट ये 8x को फिर से 2 into 4x लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट साइन 2 4x इंटू कॉस 8x है अपना, यहाँ पे लिख दिए, फिर डिवाइडेड बाय नीचे जो है स्टूडेंट उसको लिख दीजिए 8 sin x है, इसको लिख दिए। अब स्टूडेंट साइन 2 थीटा का फॉर्मूला फिर से यूज कर देंगे, तो क्या था स्टूडेंट फॉर्मूला था 2 sin थीटा, 2 sin थीटा, इस बार थीटा की जगह 4x है स्टूडेंट तो 4x लिख देंगे, इंटू कॉस थीटा, और थीटा की जगह 4x है तो 4x, यहाँ पे इंटू कॉस 8x आ गया स्टूडेंट, फिर डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या स्टूडेंट देखिए तो 8 sin x है, लिख दिए स्टूडेंट। ये इसका टेबल से फिर से बार 4 बार में कटा। अब हम लोग के पास देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या बचा, तो 4x, इस 4x को स्टूडेंट फिर से 2 into 2x में लिख देंगे, साइन 2 into 2x, यहाँ पे जो है स्टूडेंट इधर जो बचा हुआ इसको लिख दिए 4x इंटू कॉस 8x, फिर डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या स्टूडेंट तो 4 sin x। अब देखिए स्टूडेंट साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए आप लोग, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 8x डिवाइडेड बाय यहाँ पे लिखेंगे 4 sin x। ये फिर से बार इससे कट गया स्टूडेंट 2 बार में। अब हम लोग का यहाँ पे सिर्फ बचा साइन 2 थीटा, तो इसका वैल्यू रख दीजिए स्टूडेंट क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे फिर क्या है स्टूडेंट इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 8x, फिर डिवाइडेड बाय यहाँ पे हम लोग का क्या गया तो 2 sin x। और देखिए स्टूडेंट ये 2 sin x कट गया, तो हम लोग का यहाँ पे बन गया कॉस एक्स इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 8x इक्वल टू LHS, क्योंकि यही चीज हम लोग को LHS में प्रूफ करने दिया था। तो स्टूडेंट क्वेश्चन में कहीं कुछ नहीं था, बस 4 बार साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज कीजिए, अपने आप आंसर इसका आ जाएगा, LHS मिल जाएगा। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, आज का एक लास्ट क्वेश्चन बताएंगे स्टूडेंट, देखिए क्या है। इसी में से स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन नंबर 19 भी देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 19 में स्टूडेंट कौन सा बता दे बताइए, आप लोग जो बोलिएगा उसी को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को बता देते हैं या फिर क्वेश्चन नंबर 2, दोनों एक ही क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट 1 नंबर आप लोग बना लीजिएगा, 19 का 2 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट ये 19 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 72 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 72 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू रूट फाइव माइनस वन बाय एट, ये बोला कि प्रूफ करके लाइए, √5 - 1/8 बोला प्रूफ करने। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग LHS यहाँ पे नोट कर लेते हैं, LHS क्या दिया हुआ स्टूडेंट, तो साइन स्क्वायर 72 डिग्री माइनस
कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब आप लोग बताइए स्टूडेंट कि साइन 72 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। साइन 72 डिग्री का वैल्यू देखिए स्टूडेंट, रूट टेन प्लस 2√5 बटे 4, तो यहाँ पे भी बटे 4 कर देंगे, ये पूरा का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि साइन पर साइन 72 डिग्री का स्क्वायर है, तो कर दे स्टूडेंट। फिर यहाँ क्या माइनस, अब बताइए स्टूडेंट की कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, तो √3/2 होता है ना स्टूडेंट, यहाँ पे लिख देंगे √3/2 का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, 10 + 2√5/16, फिर माइनस यहाँ पे जो है 3/4, दोनों का एलसीएम निकालेंगे स्टूडेंट तो 16 होगा, यहाँ पे लिख दिए 16, इसको एलसीएम निकालेंगे स्टूडेंट दोनों का तो 16 हुआ, और आप कीजिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा बोलिए, तो 10 + 2√5 फिर हो जाएगा यहाँ पे -12। अब देखिए स्टूडेंट 10 - 12 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 + 2√5 लिख दिए, इसमें इसको माइनस कीजिए तो -2/16 हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 2 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √5 - 1/16, जो कि इससे 8 बार में कट गया स्टूडेंट, यानी कि √5 - 1/8, और यही हम लोग का RHS था। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, कहीं पे भी कुछ रिपीट नहीं करना स्टूडेंट, सिर्फ सबका वैल्यू रख दिया। तो स्टूडेंट ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर लीजिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए, और या नहीं तो हमसे यदि आपको डायरेक्ट बात करना हो तो व्हाट्सएप नंबर और व्हाट्सएप का ग्रुप डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया, वहां से आप लोग देख सकते हैं। और एक बात और स्टूडेंट, यदि आप लोग मेरा लेक्चर शुरू से नहीं देखे हैं तो स्क्रीन में जो भी वीडियो देख रहे हैं कहीं पे भी टच कीजिए, वहां पे एक आई जैसा गोल टाइप का होगा उसको टच कर दीजिएगा स्टूडेंट, आई बटन उसको बोलते हैं, वहां से पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।